भाई ये काम हमने करा है और देश के जितने भी यूथ हैं 140 करोड़ लोगों को इस काम को करना चाहिए। उसे कह दो ये मेरा वतन छोड़ दे और मजा में प्यारा जिसे देश से पहले वो इस मिट्टी में होना दफन छोड़ दे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दिल्ली की IMIM टीम जो असद साहब के घर जो कायराना हरकत की लोगों ने उसके खिलाफ हम सब पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर कंप्लेंट कराने आए। MIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीती रात आरोप लगाया कि उनके दिल्ली स्थित आवास में कुछ अज्ञात लोगों ने काली स्याही फेंकी। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंट्राव। ओवैसी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में कहा कि आज कुछ अज्ञात बदमाशों ने मेरे घर पर काली स्याही फेंकी। अब मैं गिनती ही भूल गया हूं कि मेरे दिल्ली स्थित घर को कितनी बार निशाना बनाया गया है। जब मैंने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से पूछा कि उनके नाक के नीचे यह सब कैसे हो रहा है, उसमें ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए पूछा कि यह सब आपकी निगरानी में हो रहा है। ओवैसी ने इसी पोस्ट में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी टैग करते हुए पूछा कि कृपया हमें बताएं कि सांसदों की सुरक्षा की कोई गारंटी होगी या नहीं। आगे सांसद ने कहा कि मेरे घर को निशाना बनाने वाले दो कौड़ी के गुंडों से मैं नहीं डरता। सावरकर प्रकार की अकायरतापूर्ण हरकत बंद करो और मेरा सामना करने के लिए हिम्मत जुटाओ। स्याही फेंकने या पत्थरबाजी करने के बाद भाग मत जाना। यहां आपको बता दें कि ओवैसी द्वारा संसद में शपथ लेने के दौरान जय फिलिस्तीन बोलने पर विवाद हुआ था। इसकी संसद के अंदर और बाहर भी निंदा हुई थी, तभी से ओवैसी का विरोध हो रहा है। लेकिन इसके अलावा यहां हम आपको ये भी बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब ओवैसी को निशाना बनाया गया है। ओवैसी के दिल्ली आवास को कई बार निशाना बनाया गया है। पिछले साल अगस्त में दिल्ली के अशोक रोड स्थित उच्च सुरक्षा वाले इलाकों में ओवैसी के आवास के दरवाजे पर लगे दो शीशे टूटे हुए पाए गए थे। इससे पहले फरवरी में बदमाशों ने पत्थर फेंके थे और एंट्री गेट पर लगी उनकी नेम प्लेट को तोड़ दिया था। उस समय ओवैसी ने ट्वीट कर कहा था कि 2014 के बाद से उनके आवास पर यह चौथा ऐसा हमला है। 2022 में सांसद के काफिले पर उत्तर प्रदेश में उस समय हमला हुआ था जब वह मेरठ से दिल्ली जा रहे थे। हमले में बाल बाल बचे ओवैसी ने बताया था कि उनके वाहन पर 4 राउंड गोलियां चलाई गई। मामले के सिलसिले में 2 युवक को सचिन और शुभम को गिरफ्तार किया गया था। इस खबर के बाद ही सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है आइए जानते हैं। डॉक्टर सोएब जमई लिखते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब के बंगले पर भगवा गुंडों ने स्याही फेंक कर पत्थरबाजी की है। यह एक सांसद की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल तक अगर इन आतंकियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो दिल्ली MIM पुलिस मुख्यालय का घेराव करेगा। पत्रकार सचिन गुप्ता लिखते हैं कि दिल्ली में आज कुछ हिंदू संगठनों ने असदुद्दीन ओवैसी के सरकारी आवास पर काली स्याही फेंक दी। उन्होंने ओवैसी के बोर्ड पर एक पोस्टर चिपका दिया। इस पर लिखा था, भारत माता की जय और आई स्टैंड विथ इजराइल। इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। वारिस पठान लिखते हैं, आज फिर कुछ गद्दार गुंडों ने ओवैसी जी के दिल्ली के घर पर काली स्याही फेंकी और पत्थर भी फेंके। अमित शाह जी, आपके राज में देश की राजधानी दिल्ली में एक बार नहीं बल्कि 4 बार का सांसद सुरक्षित नहीं तो देश का आम नागरिक कैसे सुरक्षित होगा। हम चाहते हैं जिन गुंडों ने ये कायराना हरकत की है उनको फौरन हिरासत में लिया जाए और कानूनी सख्त सजा दी जाए। वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि दिल्ली के VVIP क्षेत्र स्थित लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी के सरकारी आवास पर हमला करने वाले चिंटुओं में कई जमूरे वो हैं जिनकी वजह से मेवात में दंगा हुआ था। दिल्ली पुलिस को कहिए कि इन असामाजिक तत्वों को कानून का पाठ पढ़ाएं। ये उपद्रवी आए दिन ऐसे कुकृत्य करते हैं जिससे कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगे। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए दी कंट्राव। शुक्रिया।